हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर की, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए थे, और अगर आपसे वो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो अभी उन प्रॉब्लम को आप देख लीजिए। मैं आपको उनके सॉल्यूशंस भी दे रही हूँ। आई होप इन सॉल्यूशंस से आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने फिफ्थ क्वेश्चन तक लास्ट डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी आपको इनके डेरिवेटिव ही निकालने हैं। क्या करना है आपको यहाँ पे कि आपको ये फंक्शन दे रखा है, देखिए ये आपके पास फंक्शन है एंड ये किसी चीज से डिवाइड हो रहा है, यानी न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर चल रहा है। तो पहले तो हम देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वन प्लस वन अपॉन एक्स है तो हम इसको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ले लेते हैं। नीचे वन माइनस वन अपॉन एक्स है तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल तो देखिए आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन बच गया। अब दो चीजें जब डिवाइड हो रही हैं एंड आपने देन इनका डेरिवेटिव लेना है तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, कोशेंट रूल, जब दो चीजें डिवाइड होती है। तो ये आपने फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, नीचे वाला आपने सेकेंड फंक्शन मान लेना है। तो यहाँ पे जब आप कोशेंट रूल लगाएंगे यानी कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या करते हैं आप, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, यही होता है क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले देखिए जब आप इसकी डेरिवेशन करेंगे, सो डी डी एक्स ऑफ एक्स आपको पता है वन होता है, एंड डी डी एक्स ऑफ वन करेंगे, वन इज अ कॉन्स्टेंट, जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे वन प्लस जीरो बनेगा। तो वन इंटू एक्स माइनस वन, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वन इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। ऐसे ही आप देखिए जब आप इसकी डेरिवेशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, तो जब आप एक्स के साथ करेंगे तो आपके पास वन आएगा, जब वन के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, तो वन इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा, तो बाहर माइनस का साइन था तो वन इंटू एक्स प्लस वन। अब देखिए आप ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, ये एक्स माइनस वन है, माइनस फिर ये x माइनस वन होगा, नीचे x माइनस वन का स्क्वायर, x से x कैंसिल, माइनस वन माइनस वन माइनस टू अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। सो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। यहाँ पे भी देखिए दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, जब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं अगेन आप क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए जब आप डी डी एक्स ऑफ वन करेंगे, वन इज अ कॉन्स्टेंट तो उसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो होती है, जीरो को आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो बन जाएगा। देन आप डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करेंगे। अब देखिए ए कॉन्स्टेंट है, हमने यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया। अब x स्क्वायर की डेरिवेशन जब आप करोगे, देखो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n x n माइनस वन, यानी कि 2x पावर 2 माइनस वन, यानी कि 2 और x आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप b x की डेरिवेशन करेंगे तो b तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 होता है, तो b इंटू 1 इज b। ऐसे ही c की करेंगे तो c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेशन जीरो, नीचे आपके पास एज इट इज। तो देखिए मैंने यहाँ पे माइनस जो है वो ब्रैकेट खोल दी तो माइनस टू ए एक्स माइनस बी और डिनोमिनेटर एज इट इज, आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, देन दिस इज योर आंसर। एट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, बहुत आसानी से आप यहाँ पे भी कोशेंट रूल लगा सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, अगेन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, कोशेंट रूल लगा दिया। अब देखिए सबसे पहले ए एक्स प्लस बी की डेरिवेशन करते हैं, ए इज कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, x की डेरिवेशन करेंगे तो 1 बनेगा, b की डेरिवेशन करेंगे तो 0 बनेगा, यानी सिर्फ a बचा और जो दूसरी ब्रैकेट है वो एज इट इज। देन आप इधर इसकी डेरिवेशन करते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस एक्स, तो देखिए प्लस सी, सॉरी यहाँ पे प्लस सी नहीं, सॉरी प्लस आर, ये आर है, तो आपके पास p देखिए कांस्टेंट है, पहले तो आप p बाहर ले लोगे, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे, तो अभी तक आपको याद हो चुका होगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू x, तो वो लिख दिया। यहाँ पे qx का जब आप लेंगे तो qx में q कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, x की डेरिवेशन 1,
यहाँ पे आर जो है वो आर कांस्टेंट है, तो आर की डेरिवेशन जीरो। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, देखिए ए को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये टर्म बन रही है, ये माइनस ओपन करेंगे एंड इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये वाली टर्म बन रही है, ठीक है। देन जो कैंसिल हो रहा है, जैसे ए क्यू एक्स माइनस ए क्यू एक्स कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे ए पी एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू ए पी एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, माइनस ए पी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए आर है, ए आर एज इट इज, माइनस टू बी एक्स ये एज इट इज, बी क्यू ये एज इट इज, नीचे डिनोमिनेटर भी एज इट इज। अब क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ और नहीं आ सकता, तो ये आपका आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन भी आप देखिए, अगेन आपके पास दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, इस पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सो आप क्या लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। सो आप यहाँ पे देखिए, जब आप इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे तो पी कॉन्स्टेंट है, हमने पी बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, टू इंटू एक्स, ओके। यहाँ पे क्यू एक्स है, क्यू कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया, और एक्स का डेरिवेटिव वन, और ए एक्स प्लस बी तो एज इट इज आ गया। यहाँ पे आप देखिए, ए एक्स प्लस बी में ए कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, बी का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो जीरो होगा, यानी सिर्फ ए बचेगा, और साथ में जो ब्रैकेट है वो एज इट इज। अब आप क्या कर सकते हो, पहले तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे एंड इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और बाहर माइनस है तो जब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि साइन बदल जाएंगे। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को देखो, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया, देन इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन बदल देंगे, ये आ जाएगा नीचे एज इट इज। अब जो चीजें कैंसिल हो रही है, देखिए प्लस माइनस हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे टू ए पी एक्स स्क्वायर है, माइनस ए पी एक्स स्क्वायर यानी प्लस ए पी एक्स स्क्वायर, बाकी सब आपके पास एज इट इज, डिनोमिनेटर भी एज इट इज, आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो दिस इज योर आंसर। टेंथ क्वेश्चन देखिए, अब टेंथ क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग लग रहा है कि इसका भी अलग से डिनोमिनेटर है, इसका भी अलग से है, और ये कॉस एक्स अलग है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखिए जब एक्स की पार फोर ऊपर चले जाएगा तो पार क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ऐसे ही एक्स की पार स्क्वायर जब ऊपर चला जाएगा तो एक्स की पार माइनस टू हो जाएगी, और कॉस एक्स तो पहले ही था। अब अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ इसका लेंगे, फिर बी एक्स रेस टू पर माइनस टू, देन कॉस एक्स, सभी का अलग अलग डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव मतलब डी डी एक्स लेना है हमने। सो यहाँ पे आपके पास देखिए, इसका लेंगे तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपके पास बाहर आ गया, अब एक्स रेस टू पर माइनस फोर, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स रेस टू पर एन का, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन यानी पावर एक्स पावर में एन माइनस वन, माइनस फोर माइनस वन, ठीक है, माइनस फाइव हो गया। ऐसे इधर देखिए, बी आपके पास कांस्टेंट है, बी आपके पास बाहर आ गया, यहाँ पे एक्स रेस टू पर माइनस टू में फिर से एक्स रेस टू पर एन का फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, एन इंटू एक्स पावर में एन माइनस वन, यानी माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री। यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपको फॉर्मूलाज में ही मैंने करवाया था, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, ए है आपके पास ऊपर, माइनस फोर ऊपर है, एक्स रेस टू पर माइनस फाइव, अगर पावर पॉजिटिव करनी है तो नीचे ले जाओ, ऐसे यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, टू इंटू बी हो गया, एक्स रेस टू पर माइनस थ्री है, पावर पॉजिटिव करनी है तो नीचे ले जाओ, एंड माइनस साइन एक्स। सो ये आपके पास आंसर आ गया। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, फोर रूट एक्स माइनस टू, अब देखिए जब भी रूट दिया होता है तो अगर आपने रूट आना है तो पावर में क्या लगता है, वन बाय टू, याद रखना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, जब हम डेरिवेटिव करेंगे, एफ एक्स है, हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे मैंने अलग से नहीं लिखा डी डी एक्स ऑफ फोर इंटू एक्स वन बाय टू माइनस डी डी एक्स ऑफ टू, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप भी चाहो प्रैक्टिस हो चुकी है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखिए, जब हम इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे फोर तो कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अब एक्स रेस टू पर वन बाय टू का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी एक्स रेस टू पर एन का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा, एन जो कि है वन बाय टू इंटू एक्स, फिर पावर में
एन माइनस वन, यानी वन बाय टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन बाय टू। एंड माइनस टू का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास टू एक्स की पावर माइनस वन बाय टू। अब अगर मुझे पावर पॉजिटिव करनी है तो मैं नीचे ले जाती हूँ, मैं नीचे लिख सकती हूँ टू अपॉन एक्स की पावर वन बाय टू भी लिख सकती हूँ, बट एक्स की पावर वन बाय टू का मतलब रूट एक्स ही होता है, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, 12th क्वेश्चन देखिए, आपके को इसको करना है डेरिवेटिव, इसका निकालना है। तो हम जब डी डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने इस पूरे टर्म को क्या मान लिया कि ये हमारे लिए एक्स है, तो ये फॉर्मूला क्या बना, एक्स रेज टू पर एन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में क्या होता है, एन इंटू एक्स, एक्स याद रखो क्या है, ए एक्स एन माइनस वन, तो एन माइनस वन डाल दिया। बट हमने जिसको एक्स माना है, ये ए एक्स प्लस बी को एक्स माना था, तो आगे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको एक्स माना, एक्स था नहीं वो, तो यहाँ पे आगे फिर से ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन करनी है। इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, पहले जिसको एक्स माना उसकी भी फर्दर डिफरेंशिएशन करो। तो देखिए एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इंटू। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये ए है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स की डिफरेंशिएशन आपके पास वन होती है, बी का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे कॉन्स्टेंट है, जीरो होता है, यानी सिर्फ ए आएगा। सो दिस इज योर आंसर। सो चेन रूल नहीं भूलना, अगर किसी चीज पे आप मान के चल रहे हो तो उसको भी फर्दर आपने डिफरेंशिएट करना है। 13th क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड एज इट इज प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट एज इट इज, ये प्रोडक्ट रूल कहता है। अब आप देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर एन, अब फिर से इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, जैसे हमने ये किया था ऊपर बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि क्वेश्चन सेम है ना। देखो तो आप क्या मानोगे, ए एक्स प्लस बी को क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, तो एक्स रेज टू पर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स पावर में एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। बट हमने ए एक्स प्लस बी को एक्स माना तो फर्दर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, और बाद में ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही थी, ये हमने एज इट इज कर दिया। ठीक है, अब प्लस डी डी एक्स ऑफ, अब इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब इसको भी देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इस चीज को क्या मान लो, एक्स। अब एक्स रेस टू पर एन का फॉर्मूला लगाओ, पावर में क्या है एम, तो एक्स रेस टू पर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन, यानी एन की वैल्यू क्या है, एम इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, एक्स क्या है आपके पास सी एक्स प्लस डी, और एन क्या है आपके पास एम। ठीक है, अब क्योंकि आपने इस चीज को एक्स माना है तो इसको भी फर्दर डेरिवेटिव इसका लेना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी भी लेना पड़ेगा, ये भूलना नहीं है, चेन रूल है। और इंटू आपके पास जो ब्रैकेट चल रही थी एक्स प्लस बी की पावर एन, वो एज इट इज चलेगी। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, ये तो आपके पास एन इंटू एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, इतना तो आपके पास एज इट इज आ गया। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेना, देखो वही ए कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, बी कॉन्स्टेंट है, जीरो आ गया, तो ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी साथ में, तो ये लिख देना है ऐसे ही। इधर एम सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, ये आपका एज इट इज। अब यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव लेना है, तो देखो सी कॉन्स्टेंट है, एज इट इज आ गया, एक्स का डेरिवेटिव वन और डी कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो, तो यानी बाद में जो ब्रैकेट बची है अब वो लिख देंगे। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ इस सीरीज को अरेंज करके लिख दो। अरेंज कैसे, कि देखो आपके पास यहाँ पे ए एक्स प्लस बी यहाँ पे दिख रहा है आपको, जिसकी पावर एन चल रही है, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी जिसकी पावर एम चल रही है, तो मैं ये दोनों को यहाँ पे अलग लिख रही हूँ, सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, और जो एन वाली टर्म्स है और एम वाली टर्म्स है उनको अलग लिख रही हूँ। तो एन इंटू ए और ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर m इंटू सी और सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस वन, वो यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। ओके, देन 14th क्वेश्चन,
आपको इस चीज को डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए को हमने डिफरेंशिएट करना है। अब ये जो साइन एक्स प्लस ए है, हम इसको क्या मान के चलेंगे कि ये एक्स है हमारे लिए। तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस एक्स। हमने फॉर्मूलाज में सीखा है कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, बट क्योंकि हमने इस चीज को एक्स माना है तो फर्दर हमें एक्स प्लस ए की भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, चेन रूल। ठीक है, अब देखिए कॉस इंटू एक्स प्लस ए वो तो एज इट इज। अब एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? डी डी एक्स ऑफ एक्स वन होती है, और अगर हम ए की लेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए वन होगा, तो मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, जैसे 16th क्वेश्चन है, दो चीजें आपके पास डिवाइड हो रही हैं। ऑब्वियसली डिवाइड हो रही हैं तो हमारे पास कोशेंट रूल का फॉर्मूला है, तो हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, कोशेंट रूल लगाते हैं। क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये आपके पास कोशेंट रूल है। अब सबसे पहले देखिए कॉस एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो फॉर्मूला क्या कहता है कि आता है आंसर माइनस साइन एक्स, और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगी। इधर देखिए वन प्लस साइन एक्स है। अब जब मैं वन का डेरिवेटिव लूंगी तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो वो क्या होता है? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज चल रहा है, बाहर माइनस है तो वो ब्रैकेट एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब देखो ये ब्रैकेट पहले तो मल्टीप्लाई होगी, माइनस साइन इंटू वन माइनस साइन एक्स इंटू प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बाहर माइनस था, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स तो मैंने एज इट इज लिख दिया, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो अंदर क्या बन जाएगा? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमने 10th की ट्रिग्नोमेट्री में किया था, आंसर क्या होता है? वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो इसलिए हमने माइनस जब कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट अगर हम कर देंगे तो वो ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज। तो आप क्या कर सकते हो? अब इन दोनों में भी आप क्या ले सकते हो? माइनस कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वन बन जाएगा, तो हमने इसको वन प्लस साइन एक्स लिख दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब एक वन प्लस साइन एक्स से एक वन प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर माइनस वन बचा, नीचे वन प्लस साइन एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अगेन आपके पास दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, लगेगा वही कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल लगाते हैं, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन आगे जाके थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, बाकी आपके पास फॉर्मूलाज तो वही है, फॉर्मूलाज मेन याद रखने हैं, कोशेंट रूल है वही लगाते हैं। देखिए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अब करते हैं डेरिवेटिव, देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे कॉस एक्स होता है, फॉर्मूला याद कीजिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस साइन एक्स होता है, और ये ब्रैकेट एज इट इज। अब इधर देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है कि कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो फॉर्मूला कहता है माइनस साइन एक्स होता है, और बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स, ये वाली ब्रैकेट आपकी एज इट इज, और डिनोमिनेटर भी एज इट इज। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों ब्रैकेट्स को ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इधर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो क्या होता है? इंटरचेंज हो जाती हैं चीजें, तो मैं यहाँ पे अगर माइनस कॉमन बाहर ले लेती हूँ तो मैं मान सकती हूँ कि ये दोनों चीजें आगे पीछे हो गई, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। ये माइनस बाहर ले लिया, यहाँ पे देखिए कॉस प्लस साइन, इधर भी साइन प्लस कॉस एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब क्या कर सकते हो? यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो देखिए बाहर माइनस है, वैसे फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बट क्योंकि बाहर माइनस है तो सारे साइन बदल गए, माइनस ये माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे आप कौन सी वो लगाओगे? a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए था फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बट माइनस क्यों लगाए? क्योंकि बाहर माइनस था तो सारे साइन बदल गए, डिनोमिनेटर एज इट इज।
अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो जो जो कैंसिल हो सकता है आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए +2 sin cos और -2 sin cos आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी सब में जो बचा है मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। तो देखिए ये sin²x हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये +cos²x हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो ये +sin²x हो जाएगा, ये भी माइनस है तो +cos²x हो जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि sin²x + cos²x यानी sin²θ + cos²θ 1 होता है, ये भी sin²θ + cos²θ 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, दिस इज योर आंसर। ओके देन क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे आपको इसको डेरिवेटिव इसका निकालना। तो अब ये चीज ध्यान रखिए, अगर मैं बोल रही हूँ sin(n)x तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ sin(x)n। ओके अब यहाँ पे इस तरीके से लिखने से क्या फायदा हुआ कि हमने इस पूरी टर्म को क्या मान लिया, x मान लिया कि ये x^n चल रही है, तो फॉर्मूला भी वही लगाते हैं n(x)(n-1)। ठीक है, अब हमने इस चीज को x माना था तो उसका आगे फर्दर डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाली टर्म तो हमारी एज इट इज आ गई, साइन एक्स का डेरिवेटिव इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 21st क्वेश्चन देखिए, दो चीजें आपकी डिवाइड हो रही है, यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड दूसरा जो नीचे वाला है वो आपके पास सेकंड फंक्शन आ जाएगा। ओके सो ये आपके पास सेकेंड फंक्शन, अब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, सो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे अगर sin(x+a) का करना है तो पहली बात तो sin(x+a) का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमारे पास sin(x) का फॉर्मूला होता है, तो यानी हम इस चीज को क्या मान के चलेंगे कि ये हमारे लिए x है, तो sin(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब एक्स किसको माना, x+a को, तो फर्दर उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ x+a। ठीक है, इंटू कॉस एक्स चल रहा था तो वे एज इट इज। अब इधर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin(x). अब देखिए बाहर माइनस है तो वो मैंने लिखा है तो अंदर ब्रैकेट डाली हुई अभी, और इंटू sin(x+a) एज इट इज डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, अब देखिए cos(x+a) एज इट इज, अब डी डी एक्स ऑफ x+a, अब देखिए x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 होता है और a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, यानी 1 ही बना इसका, 1 इंटू cos(x) ही बनेगा, ऐसे ही -(-sin(x) और इंटू sin(x+a) आपका चल रहा है एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कॉस अगर कॉमन ले लेंगे तो x+a यहाँ पे, सॉरी cos(c)(d)+sin(c)(sin(d) ये एक फॉर्मूला बन रहा है अगर आपको याद हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे इरेज करके बताती हूँ, ये आपके पास cos(c)(cos)d)+sin(c)(sin(t)। ठीक है, तो cos(c)(cos)d)+sin(c)(sin)t, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं cos(a)(cos)b+sin(a)(sin)b, ये फॉर्मूला आपके पास होता है cos(a+b) का या cos(c)+d) का, तो cos(c)-d) का, सो cos(c)-d, और नीचे आपके पास cos(x) का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में भी ध्यान रखना है कि आपकी आइडेंटिटीज जो है आइडेंटिटीज भी बन जाती हैं, तो यहाँ पे आपने आइडेंटिटी ध्यान रखनी है कि आपकी बन रही है, सो ये हमने लिख दिया cos(c)-cos(d) की आइडेंटिटी हमने लगा दी। तो आपके पास देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर कॉस ए बचा, नीचे कॉस एक्स का स्क्वायर बचा है, जिसको मैं cos²x भी लिख सकती हूँ, सो ये चीज आपके पास आ गई है, दिस इज योर आंसर। ओके
अब जैसे आपने ये क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद कुछ जो क्वेश्चन इसमें मिसिंग भी होंगे वो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, प्लीज उनको कर लेना। फिर भी नहीं होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अभी भी जैसे मैंने जो लास्ट लेक्चर में दिए थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आगे वाले क्वेश्चंस भी जो मैंने कुछ छोड़े हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं और आपने पूछने हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। हाँ जी, नेक्स्ट 27th क्वेश्चन देखिए, जो मुश्किल मुश्किल थे वो मैं आपको खुद ही करवा रही हूँ। 27th क्वेश्चन में देखिए, आपके पास ये दे रखा है कि दो चीजें डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पे पहले तो सीधा ही अगर मैं वो लगा दूँ क्वेश्चन रूल, उससे पहले मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे cos पाई बाय 4 दे रखा है, यानी cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, इट इज 1/√2, और नीचे sin x है, तो हमने वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे ये क्या बन गई टर्म, 1/√2 x² / sin x। ठीक है, अब मैंने 1/√2 अलग लिख लिया, ये एक्स स्क्वायर को मैं फर्स्ट टर्म मान लेती हूँ और इसको मैं सेकेंड मान लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, सो क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल। सो 1/√2 हम बाहर ही लिख लेते हैं, सो इस चीज पे हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला। सो 1/√2 ऐसे ही। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम इतनी बार कर चुके हैं, एक्स रेस टू बार एन लगता है, तो एन एक्स माइनस वन यानी 2x की पावर 2 - 1 यानी 2x हो जाएगा इंटू साइन एक्स एज इट इज। अब इधर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हम पहले कुछ कैंसिल कर सकते हैं, अब यहाँ पे आएगा तो सही कि क्या यही आंसर है या कुछ कैंसिल कर सकते हो। अब आप देखो 1/√2 है, पहली बात तो अंदर कहीं कैंसिल नहीं होगा, ये 2x into sin x है, ये नीचे साइन एक्स स्क्वायर से कैंसिल नहीं हो रहा, ना कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, यानी यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, सो इसको ध्यान से समझना। करना देखने में वही लगता है कि आपको दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, सो ऑब्वियसली दो चीजें डिवाइड हो रही है तो हम क्वेश्चन रूल ही लगाएंगे, लगाना वही है बट कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखना। अभी देखिए, दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, पहले तो एक्स है ऊपर एज इट इज लिखा, मैंने अभी सिखाया पिछले क्वेश्चन में कि साइन एन एक्स है, तो मैं उसको साइन एक्स की पावर एन भी लिख सकती हूँ, इससे क्या हो जाता है, हम एक्स रेस टू पर एन का फॉर्मूला लगा पाते हैं। ठीक है, सो अब दो चीजें डिवाइड हो रही है, क्वेश्चन रूल लगाते हैं, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो x का डेरिवेटिव लोगे तो 1 ही आएगा, बाकी साइन x की पावर n एज इट इज। अब इधर देखो, साइन x की पावर n का डेरिवेटिव लेना है तो हमें इस चीज का फॉर्मूला नहीं पता, बट हमें x रेस टू पर n का फॉर्मूला पता है, तो हम साइन x को क्या मान लेंगे, x, तो x रेस टू पर n का फॉर्मूला क्या होगा, n x n माइनस 1। अब क्योंकि हमने x sin x को माना है तो इसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया डी डी एक्स ऑफ sin x, ना लिख के सीधा आंसर लिख दिया, डी डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है, cos x, तो डेरिवेटिव भी लिख दिया, और इंटू एक्स आपके पास वैसे ही चल रहा था और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। अब देखो sin x की पावर n इधर आ गया, यहां पे अगर आप देखें तो मैं दोनों चीजों में से ना कॉमन ले सकती हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, आप इस चीज को एक बार समझिए, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे कैलकुलेशन का ही थोड़ा सा लेवल अप है और कुछ नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हम क्वेश्चन रूल ही लगा रहे हैं, तो कैलकुलेशन करने में ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ध्यान से समझना कि हम कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे। आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स चल रही हैं, एक टर्म ये है और एक ये पूरी ब्रैकेट है। अब दोनों में देखो, यहाँ पे साइन एक्स की पावर एन चल रहा है, यहाँ पे साइन एक्स की पावर एन माइनस वन चल रहा है। ठीक है, दोनों में से मैंने क्या किया, साइन एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया। अब देखो, इसमें से साइन एक्स की पावर एन बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा होगा, वन बचा होगा, ये माइनस एज इट इज है, यहाँ एन है एज इट इज है, साइन एक्स की पावर एन माइनस वन में से साइन एक्स की पावर एन तो बाहर ले लिया, तो साइन एक्स की पावर वन यानी माइनस वन तो अंदर बचा होगा, तो हमने साइन एक्स की पावर माइनस वन अंदर लिख दिया। ये कॉस एक्स एज इट इज, एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब मैंने ये एन इंटू टू, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2n लिख दी। ठीक है, कुछ नहीं किया, दोनों टर्म्स में से साइन एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया। ओके,
अब आपके पास यहाँ पे आप देखें कि यहाँ साइन एक्स की पावर एन चल रहा है, यहाँ पे साइन एक्स की पावर टू एन चल रहा है, तो बेसिकली ये टू एन कैसे बना होगा मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। अगर आप मान लीजिए ये ना हो तो इसकी जगह टू एन कैसे बना होगा, यहाँ पे साइन एक्स की पावर एन इंटू साइन एक्स की पावर एन, तो इस तरीके से बेसिकली 2n बना होगा क्योंकि बेसिस सेम हो जाते हैं, n प्लस n पावर ऐड हो जाती है तो 2n बना होगा। तो ये चीज जो साइन 2x है ये बेसिकली इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब एक साइन x की पावर n ऊपर है तो एक साइन x की पावर n नीचे से भी तो कैंसिल हो सकती है, तो क्या बचा होगा नीचे, साइन x की पावर n। तो इसीलिए यहाँ पे साइन x की पावर n लिखा हुआ है और ऊपर ये जो चीज थी ये चीज इससे कैंसिल हो गई तो ये बचा ही नहीं, तो क्या बचा, 1 बचा, माइनस n बचा। यहाँ पे साइन x की पावर माइनस 1 है, अगर मुझे ये पावर पॉजिटिव करनी है तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो इस साइन x को मैं क्या लिखूंगी, 1 बाय साइन x। कॉस x इंटू x वो एज इट इज, नीचे साइन एक्स की पावर टू एन था बट एक एन से एक एन कैंसिल हो गया तो साइन एक्स की पावर एन बची। अब और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो वन एज इट इज, माइनस एज इट इज, एन एज इट इज, वन इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स एज इट इज अपॉन साइन एक्स की पावर एन। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे दोनों का एलसीएम देखिए क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। अब ये साइन एक्स इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स आ गया, ये साइन एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए जब ऊपर साइन एक्स आ जाएगा तो ये नीचे वाला साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यानी एन इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स ये बचा, तो वो लिखते हैं। ठीक है, किया क्या, न्यूमिनेटर में एलसीएम लिया, देन नीचे साइन एक्स की पावर एन आ गया, साइन एक्स एज इट इज, एन कॉस एक्स एक्स को मैंने इस तरीके से लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ऊपर वाले का डिनोमिनेटर बेसिकली नीचे ही आके मल्टीप्लाई होने वाला है, तो जब ये नीचे मल्टीप्लाई होगा तो आप देखो ये नीचे इस तरीके से आ जाएगा साइन और साथ में एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा, तो साइन एक्स अगर आ गया है तो ये भी साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, इसकी पावर एन है और इसकी पावर क्या है, 1 है, तो दोनों का बेस एक बार लिखेंगे, पावर्स गेट एडेड, एन प्लस वन कितना हो जाएगा, एन प्लस वन, तो इससे ज्यादा अब और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। सो ये आपका आंसर है। ठीक है, सो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपको सिर्फ क्वेश्चन रूल लगाना था, बट अलग क्या चीज थी, ये कैलकुलेशन। सो ये कैलकुलेशन प्लीज अच्छे से करना, वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लेना, बट इसको अच्छे से खुद प्रैक्टिस करना तब जाके आपको आएगी, एंड कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना। सो इसी के साथ आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होती है, बीच में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।